Hello friends, welcome to my channel Punya's Fun with Creativity. दोस्तों जैसे कि आपको पता है मैंने कुछ दिन अभी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किया है तो आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए. तो आज कौन सा मैंने टॉपिक चॉइस किया है वो है रोज़ प्लांट की केयरिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्लावर्स ब्लूम हो सके हमारे रोज़ प्लांट में. तो किस तरह से हम लोग उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं आज के टॉपिक में आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगी. जरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर आप लोग फुल वीडियो देखिए नॉलेज पाने के लिए ताकि हमारे प्लांट्स रोज़ प्लांट में अच्छे से अच्छे ब्लूम्स आ सके. तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है मेरे इस बरांडे में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, नीचे धूप आती है, इसीलिए मैंने अपने ऊपर के बरांडे में बस ये इंडोर प्लांट्स को ही ग्रो करके रखा है. फिर भी जैसे तैसे इसमें ब्लूम्स आ रही है. तो ये मेरे फ्रंट यार्ड का गार्डन है, ज़रूर बताइए करके कि किस तरह लग रहा है. कुछ दिनों के बाद मैं सोच रही हूँ करके कि इस फ्रंट यार्ड गार्डन को थोड़ा सा उसका लुक को चेंज करूँ. ये मेरे ऊपर जो रखे हुए ये सारे मेरे इंडोर प्लांट्स ही हैं. तो फिर यहाँ पे धूप नहीं पड़ती पर इंडोर प्लांट्स के लिए ये बेस्ट लोकेशन है, तभी आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी बनी हुई है. फिर भी कुछ प्लांट्स में ब्लूम्स आ गई हैं. ज़्यादातर मैंने जौन से मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं मैंने वो बैक साइड के बरांडे में लगा के रखा हुआ है, आपको कभी मैं वहाँ पर भी शो करूँगी. तो इस तरह से मेरा ये जो मैंने बरांडे में अपने पॉट्स रखे हुए हैं तो इस तरह से दिखते हैं. कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, कुछ पेबल्स मैंने अपने हाथों से डेकोरेट करके सजा के रखा हुआ है. तो चलिए फ्रेंड्स मैंने जहाँ अपने ये रोज़ प्लांट ग्रो करके रखा हुआ है नीचे तो मेरे फ्रंट यार्ड के गार्डन में, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ ताकि मैं आप लोग को डिटेल में बता सकूँ किस तरह से हम अपने प्लांट को रोज़ प्लांट की केयरिंग कर सकते हैं. सबसे पहले मैं बता देती हूँ करके कि रोज़ प्लांट को बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है और अगर आप उसमें फुल ब्लूम चाहते हैं तो उसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है. तो उसे फुल सनलाइट के नीचे आप ग्रो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. तो फिर ये सन लविंग प्लांट है कहा जाए तो. जब भी आप इसकी सॉइल मिक्सिंग बनाएंगे, वैसे तो मैंने इसमें इसको अपने गार्डन में ग्रो कर रखा है तो मुझे इतना मतलब इसकी केयर लेने की ज़रूरत नहीं होती है. फिर भी जब भी आप इसको पॉट में लगाएं तो सबसे पहले सॉइल मिक्सिंग में आप क्या करिए, गार्डन सॉइल तो हम डालते हैं साथ में आप सैंड डालना ना भूलिए. तो सैंड हमारी क्या करेगा, हमारी जो मिक्सिंग है उसको बहुत ही सॉफ्ट बना देगा और उसके ड्रेनेज सिस्टम को भी बहुत ही अच्छे से रखेगा. क्योंकि जब भी हम वाटर डालते हैं तो ओवर वाटरिंग कभी ना करिए. जब भी अगर गलती से ओवर वाटरिंग हो जाए तो उसके ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने से ठीक रखने से तो वो अपने आप वहाँ से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा. इस तरह से आपने गार्डन सॉइल के साथ ये सैंड को मिक्स किया और साथ ही साथ जैसे हमें पता है रोज़ प्लांट को बहुत ही रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही केयर मांगने वाला प्लांट है तो हमें उसमें वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना है. वर्मी कंपोस्ट और साथ में अगर आपके पास काउ डंग है तो उसकी फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है और हमारी इस प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत ज़रूरी होती है. इसीलिए वर्मी कंपोस्ट और अगर आप ये काउ डंग के फर्टिलाइज़र को भी मिक्स कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी सॉइल रेडी हो जाएगी. साथ ही अगर आपके पास नीम की खली है तो एक मुट्ठी उसमें ज़रूर डाल दीजिए. तो इस तरह से हर प्लांट्स के लिए मैं वैसे ही रेडी करती हूँ पर इस रोज़ प्लांट के लिए उनसे ज़्यादा मतलब रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है. तो फिर ये सबसे पहले बात है, सन लविंग तो प्लांट है ही तो साथ में आप अगर कहीं पर भी अगर उसकी ड्राई लीव देखें तो उसको जल्दी से हटा दीजिए. तो मेरे इस प्लांट में ज़्यादातर ड्राई लीव्स नहीं होती क्योंकि मैं उनको टाइम टू टाइम उनको चेक करती रहती हूँ क्योंकि कहीं पे भी अगर मुझे ड्राई लीव्स दिख जाए तो फिर मैं उसको हटा देती हूँ. तो ये बहुत ज़रूरी है, बस हमारे इस रोज़ प्लांट के लिए नहीं बल्कि हर प्लांट्स के लिए हमें ऐसे ही केयरिंग करनी पड़ती है. उसके बाद अगर आपको आपके कोई स्पेंट फ्लावर है तो उन्हें ज़रूर हटा दीजिए तुरंत. तो मैं तो यहाँ पर हटाती रहती हूँ, आप जैसे देख रहे हैं मेरे बहुत सारे फ्लावर्स के ये पेटल्स ग्रे हैं तो आप समझ सकते हैं मैं कोई भी स्पेंट फ्लावर्स नहीं रखती क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं काटेंगे तो वो सीड बनने स्टार्ट हो जाएंगे उनमें.
तो हमारा पूरा प्लांट्स क्या होगा, वो अपने सीड बनाने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देगा, तो हमारे दूसरे बर्ड्स में ब्लूमिंग कम भी हो जाएंगी और बर्ड्स भी कम आने लगेंगे। इसलिए तुरंत आप क्या करिए, जब भी आपको कोई स्पेंट फ्लावर दिखता है तो उनको ना रखिए, उनको हटा दीजिए। और अगर आपके ये प्लांट में कहीं पर अगर सूखे ड्राई ब्रांचेस या स्टेम दिखाई देती है, तो मेरे में नहीं है, अगर होता तो मैं आपको जरूर दिखाती, तो उनको आप जरूर हटा दीजिए वहीं से, क्योंकि उन स्टेम्स को, ड्राई स्टेम्स को रखकर कोई लाभ नहीं है। अगर आप उन्हें तुरंत नहीं हटाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपके वो जो उनके नजदीक की जो ब्रांचेस है उनको भी धीरे धीरे ड्राई कर देंगे और पूरा हमारा ये धीरे धीरे पूरा ये रोज प्लांट हमारा ड्राई हो जाएगा। तो ये तो हो गई उसकी कटिंग की, प्रूनिंग की, और प्रूनिंग तो मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, आप लोग भी जरूर करिए। तो ये इस रोज प्लांट की प्रूनिंग का बेस्ट मंथ है ये अक्टूबर में। अक्टूबर में अगर आप प्रूनिंग कर देते हैं, अभी तो मंथ चला गया, फिर भी अगर आप अभी भी प्रूनिंग कर देंगे तो अभी आपके नए नए बर्ड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने फर्टिलाइजर बोला है वो तो हमें देना ही है, साथ में एक और सबसे मतलब रिच फर्टिलाइजर मैं डालती हूँ, ये जो चाय की पत्तियों का जो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बनाकर दिखाया था, मैं अपने इसका ये जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगी, आप लोग देख सकेंगे। तो आपने क्या करना है, हमारे इस रोज के प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए, जैसा हमें पता है रोज के प्लांट को एसिडिक सॉइल हमें उसको बहुत पसंद होती है, तभी उसके फ्लावरिंग बहुत सुंदर से आती है। तो इसको क्या करना है, 3 चम्मच के करीब, अभी मैं स्पून नहीं लेकर आई हूँ, आपको बता देती हूँ, 3 स्पून के करीब आपने क्या करना है, इसे जो हमने ड्राई करके रखा है ये जो हमारा चाय की पत्तियां है, इसको हमने इसके चारों तरफ ऐसे डाल देना है। तो फिर अभी मैं ग्राउंड में मैंने ये लगा के रखा है, तो फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऐसे। डालने के बाद तो ये वाला भी जो मेरा एक रोज प्लांट है, तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग से लगाया था, ये जब हमारा ये विंटर सीजन, सॉरी ये समर सीजन खत्म होने के तुरंत बाद मैंने ये लगाया था। तो इसमें मैंने कुछ दिन पहले अक्टूबर मंथ में यहाँ से मैंने प्रूनिंग कर दी, तो इसकी नई नई ब्रांचेस आने स्टार्ट हो गई और इतनी जल्दी देखिए इसमें न्यू बर्ड्स में एक फ्लावर भी आज खिल गया है। तो मैं अपने इन प्लांट्स में ये डालती हूँ, ये जो चाय की पत्तियां हैं उसको ड्राई करके, आप लोग गीली चाय की पत्तियों को कभी ना डालें, नहीं तो आपके इसमें फंगस आ जाएगा सॉइल में। तो इस तरह से आप डालने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो मिट्टी को आप ऐसे खोद दीजिए, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर दीजिए, जिस तरह से मैं करती हूँ। तो इस तरह से करने से हमारे ये जो सॉइल है ये जो इसको एसिडिक बना देगा, ये जो हमारी ये चाय की पत्तियां होती हैं ये एनपीके का काम करती है, जो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है जो हमारे सॉइल को एसिडिक बना देती है और फ्लावरिंग के लिए उसको सपोर्ट करती है। तो ये एनपीके का पूरा, इसमें जो एनपीके की जो फर्टिलाइजर होती है उसको ये पूरा करती है, जो हमारे ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग एक रूटीन बना लीजिए, इसके साथ मैं डालती हूँ बनाना पील फर्टिलाइजर। तो फिर बनाना पील फर्टिलाइजर को आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और साथ में आप ये उसको, उसके जो बनाना के छिलके हैं उसको ड्राई करके देखिए, इसमें छोटे छोटे बर्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। तो उसको ड्राई करके, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके, उसके पाउडर को 3 स्पून के करीब अपने पॉट्स में भी डाल सकते हैं। तो ये बनाना पील फर्टिलाइजर और ये चाय की पत्तियां इस रोज प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी है, आपके प्लांट्स को हरा करेंगी और उसमें बर्ड्स भी बहुत जल्दी जल्दी लाएंगे। तो इस तरह से आप एक रूटीन बना लीजिए, जैसे आपने एक, जैसे आज मैंने डाला है ये चाय की पत्तियां, तो 1 वीक के बाद आप क्या करिए, उसमें फिर बनाना पील की फर्टिलाइजर डालिए, या तो लिक्विड फॉर्म में या तो उसको ग्राइंड करके। तो आप एक रूटीन बना लीजिए, 1 वीक के अंदर आप इसको चेंज करके इन फर्टिलाइजर को डाला करिए, और साथ में वर्मी कंपोस्ट या तो काउ डंग, तो वो हम 15-20 दिन के अंदर अंदर डालते ही रहते हैं। तो इस तरह से आप इनको फर्टिलाइज करिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला मैंने जो ये कटिंग मैंने ये अपने पॉट में लगा के रखी है, तो फिर इसे भी मैंने क्या, ये लास्ट सीजन मीन्स ये रेनी सीजन में मैंने इसको ग्रो किया था, रेनी सीजन के तुरंत बाद, तो इसकी भी प्रूनिंग मैंने अक्टूबर मंथ में कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रूनिंग नहीं की है तो जल्दी से आपने इस रोज प्लांट को प्रूनिंग कर दीजिए, देखिए इसमें न्यू ब्रांचेस आ गई है, तो बहुत सुंदर इसका ग्रोथ है। तो फिर देखिए इतने छोटे से स्टैम्प में, अभी मेरे यहाँ पे पहले बस ये वाला स्टैम्प था, उसके साथ 1
दो तीन चार चार स्टेम्स इसमें निकल आई है। तो इसमें भी मैंने ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसमें भी मैंने ये चाय की पत्ती की फर्टिलाइजर डाल के रखा हुआ है। तो इसको मैं थोड़ी देर के बाद गुड़ाई कर दूंगी। और पानी का खास ध्यान रखिए, इसमें ओवर वाटरिंग कभी ना करिए। तो जब आपकी ये सॉइल ड्राई हो जाए, आप अपने उंगली से टच करके देखिए, जब आपको ड्राई लगे तभी इसमें वाटर डालिए। अगर आपका वाटर एक दो दिन में नहीं सूखता है तो थर्ड दिन में डालिए, मगर ओवर वाटरिंग कभी ना करें। तो इस तरह फ्रेंड्स हम अपने यूरोज प्लांट की केयरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो मैंने आपको डिटेल में बताया है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया पर आपको फुल डिटेल बताया किस तरह हम अपने रोज प्लांट की केयरिंग कर सकते हैं और कैसे फर्टिलाइजर और कैसे वाटरिंग करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनसे मैं बोलती हूँ कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई अपलोड करूँ वीडियो तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाइए, टेक केयर ऑफ योर गार्डन, हैप्पी डे फ्रेंड्स, बाय बाय।